यहाँ पर ये जो आप लाइट देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रही है, ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लाइट है, यही लाइट जो अगर ये कंटिन्यू जल रही है आपकी गाड़ी ऑफ होने के बाद, तो इसका ही मतलब है कि यही आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचा रही है। इस लाइट का ध्यान जरूर रखें। अगर ये लाइट नहीं जल रही है तो पंगा है, अगर ये लाइट जल रही है तो कोई पंगा नहीं है, आपकी गाड़ी सेफ है। नमस्कार है दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ये ब्लिंक लाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ कि आखिर ये लाइट क्यों ब्लिंक करती है, और आखिर ये ब्लिंक कर रही है तो अच्छी बात है, अगर ब्लिंक नहीं कर रही है तो अच्छी बात है। अगर चलती गाड़ी में भी आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तब भी ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो क्या नुकसान हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कंसेप्ट मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आपको जो मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ हो सकता है वो आपको पूरा समझ में ना आए। अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देखेंगे तो भी आपको मेरा कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा भी है और थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी आपने जो ब्लिंक करती हुई लाइट देखी, जहाँ पे देख लीजिए मैं एक गाड़ी की सीट पे, ड्राइवर सीट पे बैठ चुका हूँ, और जहाँ पे देखिए लाइट ब्लिंक हो रही है। यहाँ पे अभी मैंने लाइट ऑन कर देता हूँ, मैं रात के अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसलिए आपको बिल्कुल क्लियरली वो कुछ लाइटिंग का प्रोसीजर समझ आ सके। तो देख लीजिए टाटा की टाटा स्टॉर्म गाड़ी है, अभी जहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रहा है। ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि मैंने गाड़ी की चाबी को ऑफ कर दिया, गाड़ी को लॉक कर दिया। तो जैसे हम गाड़ी को लॉक करते हैं तो उसके बाद ये लाइट यहाँ पे ब्लिंक होना इस तरीके से कुछ शुरू हो जाता है। आपने भी अपनी गाड़ी में कभी रात को गाड़ी लॉक करके जा रहे हैं तो कहीं ना आते जाते आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी में भी सेम इसी तरीके से लाइट ब्लिंक कर रही है। तो हो सकता है आपके दिमाग में भी ख्याल आया होगा कि यार ये क्यों ब्लिंक कर रही है। तो ये सारे जो आपके माइंड में इससे कंसर्न कंसेप्ट हैं वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इमोबिलाइजर बोलते हैं इसको, इमोबिलाइजर लाइट बोलते हैं, या फिर हम इसको कार थेफ्ट लाइट बोलते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचाने के लिए आजकल की जितनी भी न्यू जनरेशन की गाड़ी आ रही है उनमें एक अलग से सिस्टम दिया गया है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपकी गाड़ी पूरी सेंसर से कनेक्ट है, और उसको सेंसरों को कंट्रोल करने के लिए ECU लगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है। मतलब कि समझिए कि जिनको तो पता है सेंसर ECM के बारे में, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि इतना बढ़िया सिस्टम लगा हुआ है गाड़ी में कि ताकि पूरा माइंड कंट्रोल करने के लिए, गाड़ी का जितना भी माइंड है, गाड़ी के अंदर जितने भी सिस्टम है, वो सब कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा सिस्टम दिया गया है, ताकि आपकी गाड़ी को किसी भी साइड से नुकसान ना हो और आपकी गाड़ी इतनी आसानी से चोरी ना हो सके। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि आपकी गाड़ी कभी चोरी हो ही नहीं सकती, मतलब इतना आसान नहीं रहा आप गाड़ी को चोरी करना। तो उस तरीके उन चीज़ों को, चोरियों को कम करने के लिए ये सब गाड़ियों में, न्यू जनरेशन की गाड़ियों में नई नई मॉडिफिकेशन आते रहती हैं, और ये भी इसी तरह की मॉडिफिकेशन है। तो ये आपकी गाड़ी को बिल्कुल बचाती है चोरी होने से। अभी चोरी होने से कैसे बचाती है, चोर किस ट्रिक लगा के चोरी कर सकता है, गाड़ी कैसे हो सकता है, ये सब पॉसिबल जो मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है, इस लाइट ब्लिंक करने का मतलब है कि आपकी गाड़ी के अंदर ये लाइट अगर कब ब्लिंक करती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लाइट आपने गाड़ी की चाबी ऑफ कर दी, आपने गाड़ी लॉक कर दी, उसके बाद ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये लाइट कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है तो इसका यही मतलब है कि आपकी गाड़ी में जो एंटी थेफ्ट सिस्टम लगा है, यानी कि जो आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचाने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है, वो सिस्टम बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इसका यही मतलब है। जी इसके ऊपर एक लॉक बना हुआ है, और आपकी गाड़ी का एक आइडेंटिफिकेशन है, और उसके साथ एक लॉक का आइडेंटिफिकेशन है। इसका मतलब यही है कि आपकी गाड़ी लॉक चोरी नहीं हो सकती, ये जो सिस्टम है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब कई बार ऐसे होता है, मान लीजिए इसमें क्या है, जैसे अब ये सवाल जहाँ पे आता है कि आपकी गाड़ी कोई चोरी क्यों नहीं कर सकता, जी हाँ, आपकी गाड़ी कोई इसलिए नहीं चोरी कर सकता क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि गाड़ी पूरी सेंसर सिस्टम है, ECU लगा हुआ है। अब मान लीजिए कोई आपकी कोई दूसरी चाबी ले आता है, कोई डुप्लीकेट चाबी ले आता है, या कहीं से चाबी बना के लेके आ गया, आपकी गाड़ी को खोलने का काम शुरू कर दिया उसने। सबसे पहली बात है, गाड़ी में सेंसर सिस्टम है, मैंने आपको पहले बार बार कह रहा हूँ, सेंसर सिस्टम है गाड़ी में। जैसे कोई डुप्लीकेट की आपकी गाड़ी के जहाँ पे गाड़ी लॉक हो रखी है वहाँ पे जैसे ही कोई दूसरी की लगाएगा, सबसे पहले आपकी गाड़ी का जो सायरन सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि दूसरी चाबी लगते ही आपकी गाड़ी का सायरन सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी गाड़ी सायरन देना शुरू कर देगी, जिससे पता चल जाएगा कि अगर कहीं आपकी गाड़ी आस पड़ोस में ही लगी हुई है तो कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो सायरन की आवाज़ सुन के आप आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कोई ना कोई आपकी गाड़ी के साथ छेड़खानी हुई है।
और अब मान लीजिए किसी तरीके से किसी ने आपकी, अगर मान लीजिए आपका सायरन सेंसर एक्टिवेट नहीं है, जहाँ आपने खुद उसको डीएक्टिवेट कर रखा है, सायरन को ऑफ करके रखा है, अब गलती से किसी ने आपकी गाड़ी की खिड़की खोल ली, अब वो चोर चोर जो बैठ गया आपकी ड्राइवर सीट पे, अब वो चोर क्या करेगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसे तो गाड़ी भी ले जा नहीं सकता चोरी करके। वो आपकी जैसे ही अपनी जो उसके पास जो चाबी होगी, जैसे ही अपनी इग्निशन की में लगाएगा और वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, आपकी गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे वो कोई भी चाबी लेके आ जाए। वो आपकी गाड़ी स्टार्ट इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपकी चाबी में प्रोग्रामिंग हो रखी है, सेम प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो प्रोग्रामिंग आपकी ECU में उन दोनों का सेम प्रोग्रामिंग है, इसलिए स्टार्ट नहीं होगी। अभी देखिए आजकल की जो न्यू जनरेशन की गाड़ी है उनकी इस तरीके की की होती है, की के अंदर ही इस तरीके का सिस्टम दिया गया है। देखिए पूरा आप देख रहे हैं, पूरा IC प्लेट्स है, पूरा सेंसर, इसके अंदर भी सेंसर सिस्टम है, आपकी की के अंदर भी पूरी आपकी जो की है वो सिर्फ उसी गाड़ी के लिए बनी हुई है, दूसरी गाड़ी के लिए बनी नहीं हुई, और जो दूसरी की है वो आपकी गाड़ी के लिए बनी नहीं है, तो इसलिए कभी भी आपकी गाड़ी दूसरी की से स्टार्ट नहीं होगी। इसके अंदर क्योंकि सिस्टम रहता है, ऐसा सिस्टम दीजिए, देखिए ये आपके की के अंदर इस तरीके की कुछ प्लेट रहती है, इस प्लेट के अंदर प्रोग्रामिंग है, और वो पूरा प्रोग्रामिंग हमारी सीधा ECU से कनेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ECU डायरेक्ट प्रोग्रामिंग ECU से कनेक्ट होती थी, इसलिए हमारा ECU एक्सेप्ट नहीं करता है कि दूसरी चाबी को, तो हमारी गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से हम अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचा सकते हैं। अभी समझते हैं अगर कोई दूसरा फॉल्ट आ जाए तो अभी ये जो आप मेरे हाथ में एक की देख रहे हैं, इस की में एक सेंसर लगा होता है, और वही सेंसर जो इसमें लगा हुआ उसका कोड है जो हमारा ECU के अंदर फीड रहता है। दोबारा सुनिएगा, इसके अंदर एक हमारा सेंसर रहता है जिसके अंदर एक कोड होता है, और वो सेम कोड हमारा सीधा ECU से कनेक्ट रहता है। जैसे आप इग्निशन को इसमें डालते हैं, अपनी चाबी को इग्निशन की में डालते हैं, तो ये हमारा जो इसके अंदर एक एंटीना होता है वो सेंस करता है कि आपने जो चाबी डाली है वो कौन सी चाबी के, सेम चाबी या कोई और चाबी है। तो जैसे जहाँ से हमारा सिग्नल जाता है सीधा ECU के पास सिग्नल जाता है, वो कैसे जाता है मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अगर ये वीडियो बिल्कुल जरूर देखिए, ये वीडियो मैं कहता पूरा वीडियो देखिए। ये हमारा सेंसर है, जहाँ पे हमारा जो सेंसर होता है जो हमारा, अभी आप जहाँ पे देखिए, जहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आप चाबी देख रहे हैं, उस चाबी के साथ दो छोटी छोटी की देख रहे हैं, ये ट्रांसमीटर होता है, इसको हम ट्रांसमीटर कह सकते हैं, जो कि हमारी की के कोड को ट्रांसफर करता है हमारे ECU के पास। यहीं से हमारा डेटा जो है वो आगे ECU के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ये ट्रांसमीटर होते हैं, यहीं से हमारा जो सिग्नल को आगे ट्रांसफर करते हैं कि जो हमारी की लगी है वो किस कौन से कोड वाली की लगी है। इसमें जो कोड रहता है, जहाँ इसकी जो वैल्यू होती है वो सीधा फीड होती है हमारे ECU के साथ, सीधा उसका जो कोड होता है सेम कोड हमारा ECU के अंदर फीड रहता है। तो जैसे हम जहाँ पे चाबी लगाते हैं, तो इस जहाँ पे जो ट्रांसमीटर है, इन ट्रांसमीटर के थ्रू हमारा क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो हमारा ECU के पास चला जाता है डेटा। क्योंकि वो क्यों जाता है, क्योंकि वो उसको हमने पहले से ही प्रोग्रामिंग कर रखा है, हमने स्कैनर के थ्रू पहले से ही हम अपनी की को प्रोग्राम कर देते हैं। उसके बाद देखिए जो सेकंड वाली आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एंटीना, ये एंटीना होता है, यही एंटीना जो होता है जो कि हमारा सिग्नल है जो हमारा आगे भेजता है। जैसे मान लीजिए आपने की इंसर्ट कर दी पहले, यहाँ पे दो ट्रांसमीटर आपको दिख रहे हैं, उस ट्रांसमीटर के बाद यहाँ पे एक एंटीना होता है, यही एंटीना हमारा सिग्नल रिसीव करता है। ये सिग्नल कैसे रिसीव करता है, इसके अंदर एक जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कपलर लगा होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कपलर के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल रहते हैं, सिग्नल वायर्स हैं इसके अंदर करंट वायर आती है, अर्थिंग वायर आती है, सिग्नल वायर आती है, तो ये सीधा हमारा फिर क्या होता है, ये हमारी की सीधा हमारे ECU को बता देती है कि भाई ये की लगी है क्या, ये इसी गाड़ी की रिजल्ट की है कि नहीं है। तो यहाँ से हमारा सिग्नल जाता है सीधा, जिसकी वजह से हमारे ECU को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वही सेम की आई है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये गाड़ी स्टार्ट होती है, इस तरीके से हमारी गाड़ी को कोई भी चोरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो गाड़ी के अंदर सिस्टम है वो मेकर ने इस तरीके का बनाया कि कोई बहुत ही आसानी से, इतनी आसानी से आपकी गाड़ी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ पे एंटीना है, इलेक्ट्रॉनिक कपलर है, ECU है, सिग्नल ECU के पास जाएगा, अगर कोई सेंसर ECU को सिग्नल देगा हाँ भाई ये की आई है, ये वही की है जो हमने इस गाड़ी के लिए बना रखी है, तो बिल्कुल आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर कोई दूसरी की इंसर्ट हो जाती है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट होती। इसलिए हमारी आजकल के टाइम पे, आज के न्यू जनरेशन की कार को चोरी करना भी इतना आसान नहीं रह गया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर